अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मरियम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं ज़ीरा साफ़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको ज़ीरे को देखा, इस तरह से फट फूट गए इस तरह से, तो जो भी गंदगी होती है ना ये इसमें से निकल जाएगी इस तरह से करके। वैसे तो मैंने इसको कर लिया है साफ़, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा कर रही हूँ। और ज़ीरा जो है वो अपनी तासीर में बहुत ठंडा होता है, तो गर्मियों में तो इसका इस्तेमाल जितना हो सके करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा कच्चा भी अगर मुँह में डाल लेना ऐसे ही तो भी बहुत अच्छा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो बस ये इस तरह से मैं फटकूँगी इसको तो इसका काफ़ी कचरा जो है वो निकल जाता है। इसके बाद हम इसको इस तरह से छलनी में लेके और छानते हैं। ये सारा प्रोसीजर मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से आपको इसलिए बता रही हूँ कि फिर वैसे तो खैर सबको ही पता है आजकल सभी करते हैं ज़ीरा साफ, लेकिन हमारे यहाँ एक दफ़ा बड़ा ही कोई ख़राब ज़ीरा आ गया। हम चक्की से लाते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी सब चीज़ें मिलती हैं। एक दफ़ा पता नहीं क्योंकि उसकी केकी छोटे छोटे कंकर सब ये इस तरह से छोटे छोटे कंकर और ये तिनके वगैरह ये सब निकल जाएंगे, तो इसको इस तरह से हमने फेंक दिया। ये सारा इस तरह से ज़ीरा हमने कर लिया। उसके बाद जब ज़ीरा मैं लेकर बैठी थी तो मैंने फ़ौरन इसके तीन हिस्से किए, एक मैंने शहर को दिया, एक मरियम को और एक खुद, इस तरह से इसको बीन के मैंने तैयार कर लिया। तो बड़ी चीज़ लो ताकि ये कि इसे खुला खुला करके हम इसको इस तरह से बीन लेते हैं। इस तरह बीन के इनका जो साफ़ हुआ वो होता है ना शहर और मरियम का, तो उसको भी मैं फिर चेक करती हूँ कि कोई कंकर वगैरह है कुछ है तो मैं फिर निकाल देती हूँ उसको। और ज़ीरा इकट्ठा करके रख लूँ ना बड़ा इत्मीनान रहता है फिर, और हर चीज़ में ज़ीरा डालना चाहिए। और चटनियाँ जो बनाए उसमें तो बहुत सारा ज़ीरा, तो काफ़ी पेट में ठंडक रहती है, मैदे में ठंडक रहती है, खाना आपका जल्दी हज़म हो जाता है। अब ये ज़ीरा सारा मैं फ्राई पैन में डालूंगी इस तरह से, और इसको हल्का हल्का इस तरह से भूनेंगे। लो फ्लेम मैंने बिल्कुल रखा है इसका, और ये भूनने से ये होता है कि कुछ ख़राब नहीं होता, इसमें जाले नहीं पड़ते, तो इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे लेकिन बिल्कुल हल्की आग पे, ताकि ये जले ना और इसमें से अच्छे अच्छे से खुशबू आने शुरू हो जाए। भुना हुआ हल्का सा जो भुना हुआ होता है ना उस ज़ीरे की खानों में भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। फिर ये कि आप रोटी वगैरह में भी जैसे आटा भूनते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल लें, थोड़ी सी दो इतनी सी कलौंजी डाल लें और वो आटा भून लें, तो वो रोटी भी इतनी जल्दी हज़म होती है। और ये मैंने करके देखा है, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ये रोटियों में चीज़ें जैसे डालती हूँ कि थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया, थोड़ी सी कलौंजी डाल ली और अजवाइन थोड़ी इतनी सी चुटकी भर के डाल लें आप। जैसे आप एक किलो आटा भून रही हैं तो उसमें चुटकी चुटकी भी डाल लेंगे तो बहुत है, और वो रोटी पर जब पकती है तो उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए फुलके एकदम से तैयार हो गया है, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है चूल्हे पर ताकि ये अच्छा सा इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अभी मैं फ्राई पैन पे ही इसमें डाला हुआ है ताकि वो थोड़ा सा और भुन जाए। और इसकी एक ये खूबी है कि अगर किसी दिन रात में जैसे आपने खाना खाया है और कोई ऐसी ऊपर भी चीज़ खा ली आपने, तो बाद के बाद ऐसी चीज़ होती है बंदे का हाथ नहीं रुकता, वो ज़्यादा थोड़ा खा लेता है और आपको ऐसा महसूस हो कि बोझ हो रहा है बहुत सीने पे अजीब सा लग रहा है, तो आप इसको छोटी एक चम्मच लेके ना और आप मुंह में डाल दें और इसका अदरक आहिस्ता आहिस्ता पीते रहें। आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपका एकदम खाना हज़म हो गया है, गैस आपको बिल्कुल नहीं हो रही है और बड़ा अच्छा सा महसूस करेंगे आप। क्योंकि ज़ीरा तो ना बेस्ट है, मैं कहती हूँ अगर इसके खूबियाँ किसी को पता चल जाए ना तो ये सोने के भाव बिके। इस तरह में ज़ीरे के लिए तो ना मैं कहूँगी कि इसको रोज़ाना की बुनियादों पे यूज़ करना चाहिए और हर खाने में डालना चाहिए, और अगर आटे में भी आप डाल लें तो बेस्ट है। अब हम आधा इसमें बोतल में भर के इस तरह में रख दूँगी और आधा मैं इसको तरह से पीसूँगी, जिसमें हमको साबित चाहिए उसमें हम साबित डाल देंगे और जिसमें पिसा हुआ चाहिए उसमें पिसा हुआ, ये साबित डाल दिए और जो पीसना है उसको हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम कुटा हुआ डालते हैं और किस कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें हम सिर्फ
साबुत जीरा ही चाहिए होता है, तो इसलिए मैं दोनों रखती हूँ। अब ये देखो बंद ही नहीं हो रही, नखरे कर रही है, ये भी हमारी टूट फूट का शिकार हो गई, दूसरी लेनी पड़ेगी। असल में चीज़ें काफ़ी पीसना पड़ती है। बस ये दूसरी बोतल में हम डाल के रखते थे। ये देखिए हमारा साबित भुना जीरा और ये कुटा भुना जीरा, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब ये तकरीबन हमारी चलेगी 15 दिन तो चली जाएंगी आराम से। आज मैं किस तरह से आटा गूंथती हूँ ये आपको बताऊंगी। वैसे तो सभी आटा गूंथते हैं अपने अपने घरों में, लेकिन ये कि आज मैं किस तरह गूंथती हूँ मैं आपको बताऊंगी। ये मैं देखिए 1 चम्मच इसके तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा थोड़ा आटा है, तो इसमें ये नमक डालूंगी, थोड़ी सी मैं कलौंजी डालूंगी इसके अंदर। ये रोटी इतनी हाजिम होती है, इतनी जल्दी हज़म होने वाली होती है, और ये ज़रूर डालना चाहिए। थोड़ी एक चुटकी अजवाइन डालूंगी मैं इसके अंदर और थोड़ा सा ज़ीरा। जब रोटी पक रही होती है उस वक्त भी इतनी अच्छी खुशबू आती है रोटी में से, और ये हज़म भी बहुत जल्दी होती है। इसको कुछ चीज़ों को सबको हम मिला लेंगे। अच्छा, ज़्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि आटा मैं ही गूंथ लूँ, क्योंकि माशाल्लाह से दोनों बहुओं के हमारे नाखून बड़े बढ़ाती है, तो फिर मैं कहती हूँ मैं ही गूंथ लेती हूँ आटा, क्योंकि मैं तो देखें अपने नाखून बिल्कुल काट के रखती हूँ। तो बस ये लोग, इनकी नज़र बचती है और मैं आटा गूंथ के फ्रिज में रख देती हूँ। चले अब गूंथना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ की बाज़ार की रोटी हमने खाई अभी परसों आई थी तंदूर की, तो उसमें सोडा वगैरह कुछ ज़्यादा डला होता है, क्या है पेट में ज़रूर मेरे तो दर्द हो जाता है। तो मैं कहती हूँ भाई हाथ की रोटी ज़रा सी मेहनत कर लो, लेकिन घर की रोटी घर की होती है। तकरीबन 1 चम्मच टेबल स्पून में इसमें तेल डालूंगी, इस तरह से करके, और इसकी हम करेंगे बुंदाई अच्छी तरह। यह आटा फिर ऐसा गूंद के तैयार होता है कि फिर फौरन भी आप रोटी पकाएं ना, तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी देर पुराना जो है, मतलब 2-3 घंटे आटे को गूंदे हुए हो गए, क्योंकि आटे की गुंदाई ही होती है, तो उससे रोटी फिर फूलती भी है, अच्छी सी बनती है। ऊपर नीचे कर करके मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। थोड़ा सा और गुंदाई कर लूँगी इसकी, उसके बाद में इसको एक बार मैं करूँगी। आटा जितना अच्छा है उसकी गुंदाई करो ना, रोटी इतनी अच्छी फूली हुई बनती है और नरम। आटा गूंद के तैयार है, और हम आप लोगों से छोटी मोटी इस तरीके की टिप्स जो है वो शेयर करते रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आती होंगी। हमारी सारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।